एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माता की। आप सभी का दिन शुभ रहे। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के जो उपाय हैं, भगवान शनि को प्रसन्न करना चाहिए। और जिन जिन राशियों पे सारस्वती या ढैया का प्रकोप है, उनको ध्यान रखना चाहिए इन बारे में। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले और कुंभ राशि के जातक हैं जिन पे सारस्वती का प्रभाव है, उन लोगों को भी स्पेशल शनिवार को जो स्पेशल उपाय करने चाहिए, क्योंकि भगवान शनि को न्यायप्रिय भगवान माना गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शनि भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार से फल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले, सबसे पहले आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट पे आपका स्वागत है। सबसे पहले जो भी हमारे व्यूअर है वो देख रहे हैं या हमारे चैनल जो चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं, हमारा अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम आपको छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष टोटकी और ज्योतिष के बारे में बता पाएं और जिससे आपकी जो समस्या है उसका घर बैठे आप समाधान कर पाएं। तो आज हम बात करते हैं शनि भगवान के बारे में। शनि भगवान के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे सारस्वती है चाहे ढाई वर्ष का ढैया हो, उस पर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान शनि है वो न्यायप्रिय भगवान है। उनका जो ओहदा है वो एक जजमेंट का है, सही लोगों के साथ सही और गलत लोगों के साथ गलत, जो कार्य जो करते हैं उनके साथ न्याय करते हैं हमेशा। जब सारस्वती और इस प्रकार की जो प्रक्रिया हो, सारस्वती की या ढैया की हो, तो उसमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, शनि भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी और आप धन और धन्य से परिपूर्ण रहेंगे। मकर और कुंभ राशि के भगवान स्वामी हैं और अभी मकर राशि में 23 अक्टूबर के बाद में जो शनि भगवान है वो मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात में जो आने वाले दिनों में इन राशियों पे भी जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात करें कि शनि भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करें। शनि भगवान के जो प्रिय है, जो जो राशि प्रिय है, मकर राशि और कुंभ राशि उनके स्वामी भी हैं, उन पर सारस्वती भी चल रही है, अपने घर में वो विद्यमान है। आपको बता दूं कि शनि जो भगवान है वो अपना जो चक्कर है, जो एक राशि के ऊपर जो जो जिस प्रकार से जो चक्कर होता है वो 30 वर्ष में एक राशि पर दोबारा आते हैं, तो ढाई वर्ष में एक राशि बदलते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी क्रिया है, सबसे धीमे गति से चलने वाले जो ग्रह हैं वो शनि भगवान है और सबसे ज्यादा जो फल देने वाले हैं वो ही शनि महाराज हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए या कोई भी जातक, अगर शनि भगवान की कृपा है, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं या जो खनिज पदार्थ पेट्रोलियम से जुड़े हुए लोग हैं और जो भी इस प्रकार के जो लोहे के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो शनि भगवान को आराधना करें ताकि शनि भगवान उनके लिए खुशहाली लाए और वो प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि भगवान का मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ओम शम शनिश्चिराय नमः, ओम शम शनिश्चिराय नमः, एक उनका जो मेन जो मंत्र है, ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। कम से कम 108 बार इसका उच्चारण करें, एक माला अवश्य करें शनिवार को, या शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल और तिल जरूर चढ़ाएं, तब भी आपको इनके प्रकोप से शांति मिल सकती है। इसमें एक मंत्र उच्चारण और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो इनके माता के पक्ष में हैं, क्योंकि जो भी जातक को सारस्वती का प्रकोप होता है या प्रॉब्लम आती है, उनके लिए वो मंत्रोच्चारण जो कर सकते हैं, ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और भगवान शनि प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जो आपका धन और धान्य से परिपूर्ण होगा आपका जीवन। और आप देखेंगे कि शनि भगवान के जो सारस्वती का किसी प्रकार का प्रकोप है वो भी आपका शांत रहेगा, आपके मन में शांति उत्पन्न होगी और इस प्रकार से जो शनि महाराज हैं उसको आप शांत कर सकते हैं। और जिनको भी जो प्रॉब्लम आती है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं, वहां पे शनि चालीसा का पाठ करें और भी उनको गुड़ वगैरह या जो चढ़ाना है गुड़ का भोग लगा सकते हैं, काले चने का भोग लगा सकते हैं, या उनके सरसों को जो शिला होती है या मूर्ति होती है उस पर सरसों का तेल और तिल सहित
उन पे चढ़ाना चाहिए ताकि उनका प्रकोप शांत हो और आपको जो आपकी क्रिया है, कार्य है, जो भी है उसमें शांति प्राप्त हो। इस प्रकार से हम शनिवार को जब ये कार्य करेंगे तो आपको शनि भगवान के जो प्रकोप है उसमें शांति होगी और आपको उसके सुफल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार के वीडियो और अलग अलग ग्रहों के बारे में हम आपको बताएंगे, हर अलग अलग राशि के बारे में हम बताएंगे आपको, किस राशि के किस प्रकार से क्रिया चल रही है, कहाँ पे शुक्र का गोचर है, कहाँ पे शनि का गोचर है, कहाँ पे गुरु है, गुरु किस प्रकार से है, बुध किस प्रकार से है, किस राशि का स्वामी क्या है और किस राशि के स्वामी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको समय समय पर बतलाते रहिए। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी स्पोर्ट, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम समय समय पर आपके लिए अच्छी बातें, अच्छे ज्योतिषी के लिए टोटके और वास्तु के बारे में आपको बतलाते रहें, ताकि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो आप घर बैठे उसका सोल्यूशन कर पाएं। जय माता की। आप सभी का दिन शुभ रहे।